नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो सबसे पहले तो उन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, वीडियोस को देखते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो आज तो मैं वीडियो वाला सेटअप, मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैमरे के साथ लाइटिंग का इशू है। एक बार लाइटिंग अच्छी हो जाएगी तो फिर मैं करूँगा, तो ये काम मैं संडे को ही कराऊँगा। और वेबकैम तो मेरा अच्छा है, हाई डेफिनेशन है, लॉजिटेक का, तो वीडियो कैमरे में दिक्कत नहीं है, सिर्फ लाइटिंग का इशू है। तो उसको मैं मंडे को फिक्स करता हूँ, उसके बाद फिर सॉरी संडे को फिक्स करता हूँ, फिर मंडे से वीडियो बनाऊंगा। वो आज मैं आपको दिखा दूँ, पहले तो रिफ्रेश कर दूँ पेज को। आज हमारी दो ट्रेड थी और पोजीशन दिखा देता हूँ, 500 नहीं 497 रुपये का प्रॉफिट था। दो ट्रेड थी, दोनों में छोटा छोटा सा प्रॉफिट, मस्त एकदम। और मैं आपको टाइमिंग दिखाता हूँ। सबसे पहले पहले ट्रेड का था अपना 9:20, और ये 2 मिनट की शायद ट्रेड थी, ये 9:22। हाँ, यहाँ आपको दिखाता हूँ, ये पहले ही कैंडल की ट्रेड थी, क्योंकि आप देखिए पहला ही कैंडल जो है सो कितना अच्छा बना हुआ था, बस एकदम बुलिश था। और इसने बोलिंजर बैंड को भी इसने ब्लास्ट किया, और अपना जो अपना एचएम सिस्टम था, एचएम सिस्टम में भी एकदम बहुत ज़बरदस्त बुलिश साइन था। तो इसलिए मैंने किया, आज ये लिया था सुबह सुबह, और मुझे उम्मीद थी कि ये थोड़ा सा ना एक अच्छा मूव देगा। गया तो था ऊपर तक ये, मगर यार ये फिर वापस आ गया, और वापस आया तो फिर इसी कैंडल पे मेरा ऐसे लेट हो गया, तो ट्रेलिंग ऐसे ली था तो वो हिट हो गया। और यहाँ पर भी मतलब ये काम आज कर नहीं पाया, सेटअप बहुत अच्छा था ये। मतलब दो कैंडल बनाता ना बहुत अच्छी अच्छी मतलब एक और बना देता ना इतनी बड़ी कैंडल, तो अच्छा पॉइंट हम पकड़ सकते थे, करीब करीब 50 60 70 पॉइंट तो आराम से पकड़ लेते, क्योंकि सुबह के समय मोमेंटम ज़्यादा होता है। तो जब मोमेंटम बहुत तेज होता है तो प्रीमियम का प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो और तेज़ी से बढ़ता है तो फिर, और जब मार्केट रुक जाती है ना, तो मार्केट रुकने की वजह से क्या होता है कि उसका प्राइस बढ़ता ही नहीं, मार्केट ऊपर जाती है तो भी नहीं बढ़ता है। आज भी पूरे दिन मार्केट का जो डेटा था वो बहुत पॉजिटिव था, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का पॉजिटिव था, तो पुट साइड इसीलिए आज मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा, सोचा ही नहीं सुबह से, और मैं हमेशा लॉन्ग साइड में ही था। दूसरा ट्रेड मैंने लिया था करीब 12:04 पे, और ये चला था 12:17 पे, तो करीब 15 मिनट ये ट्रेड चला, तो वो मैं आपको बताता हूँ। 12:04, हाँ इस कैंडल पे मैंने लिया था, क्योंकि ये देखिए छोटी छोटी कैंडल के बाद इसने एक बड़ी कैंडल बनाई थी, और इसने इस रेंज को, जो हमारी ये रेंज थी, मैं यार एक काम करता हूँ रुके, एक पेंसिल जो है ना इसको भी खोलता हूँ। एक सेकंड दोस्तों, हाँ ये देखिए, अब आपको बताता हूँ, ये देखिए इस रेंज को इसने जैसे ही यहाँ पर क्रॉस किया, तो मैंने यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम बनाई थी, और बाइंग पोजीशन इसलिए बनाई थी क्योंकि इसने 1 2 3 4 5 पांच कैंडल, और मोर और लेस ये भी एक 6 कैंडल थी, 6 कैंडल एक रेंज में थी, तो मेरे को लगा था कि यहाँ से भी एक बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा। और बॉलिंजर बैंड का भी देखिए आप, ये भरा हुआ था, और सेम टाइम जब इस तरह का कभी भी एचएम सिस्टम में अपना आप अगर देखो साइन, तो ये साइन का मेरा जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है अप साइड में, क्योंकि देखिए ये 50% के ऊपर था, तो मेरे को लग रहा था कि एक अच्छा मूवमेंट दे देगा। तो यहाँ पर भी ये 3 4 कैंडल जो है सो, 3 4 तो नहीं, मगर ये कि यहाँ तक जो है सो, मैं सोच रहा था कि ये कम से कम इस पॉइंट तक एक ही कैंडल बनाएगा, मगर इसने ये बनाया नहीं। और ये मार्केट आप देखिए, जैसे आज मार्केट जो है सो गई तो अप साइड, मगर बहुत स्लो एंड स्टडी गई, धीरे 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 गई, उसने टाइम बहुत लगाया जाने में। और ये हमारा 17:12:17 पे था शायद ना, 12:17 पे ये हमारा मेरा जो है सो ट्रेड खत्म हो गया था, जो कि इस वाले कैंडल पे था, छोटा रिट्रेसमेंट था। तो मैंने, मेरा तो क्योंकि एसएल बहुत टाइट रहता है इस कंडीशन में, क्योंकि जब मार्केट ऐसी रेंज में रहे अपसाइड में, और वो मार्केट छोटी छोटी कैंडल बनाए और एक रेंज में आ जाए और ऊपर ना जा पाए, तो उसके नीचे आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब वो नीचे आता है ना तो बहुत तेज़ी से ढह जाता है नीचे बिल्कुल, तो इसीलिए इसमें मेरा एसएल बहुत टाइट रहता है रहा था। तो ये आज का ट्रेड था, और मैं आपको और क्या दिखाऊं, हाँ ये तो हो गया अपडेट, ये ऑर्डर बुक भी हो गया, कल बताता हूँ कल का क्या। देखिए आप अगर देखोगे ना, कल आज की मार्केट भी जो थी, आज की जो मार्केट थी देखिए 2.6 पॉइंट, मतलब 2.6% अप थी आज मार्केट, और कल की मार्केट भी जो है सो अपसाइड ही थी। तो कल का जो मेरा व्यू रहेगा, कल
कल का जो मेरा व्यू है वो 100% साइडवेज का है। कल मैं कोई H12 और H20 नहीं करने वाला हूँ किसी भी हालत में। मतलब अभी तक का तो मेरा ये विचार है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार का चार्ट पे, 10 मिनट के चार्ट पे आ गए। अब आप जैसा देख पा रहे हो ना, तो इस पे आप देखो कि मार्केट अभी कहाँ पहुँच गई, इसने गैप फिल कर दिया पूरा पूरा, क्या मतलब गैप ऑलमोस्ट फिल कर दिया इसने, और यहाँ पर आके कंसोलिडेट कर रहा है अभी। तो इस कंसोलिडेशन के बाद ये देखिए, ये कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पर। तो हो सकता है कि एक छोटा सा पुल बैक नीचे, क्योंकि फिर देखिए रेंज में आ गया है, रेंज में आने के बाद हो सकता है छोटा सा पुल बैक दे दे, क्योंकि ये बहुत भयंकर एक रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस ऐसा है कि इसको ये एक बार में निकल जाना, इसको निकालना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और आप इसके पीछे गैप भी देखेंगे ना, तो अभी भी गैप बहुत है। जैसे 347 से बंद हुआ है, 533 का अभी इसको रास्ता है, इसको सफर तय करना है यहाँ तक, इस रेजिस्टेंस तक आने के लिए। तो मेरा व्यू जो है सो मोरले साइडवेज का ये है, और हो सकता है कि एक पुल बैक दे दे नीचे की साइड को, और नीचे की साइड को अगर देगा तो मुझे लगता है कि करीब इस लेवल तक ये आना चाहिए। तो अगर इस लेवल तक आएगा तो ये लेवल अपना क्या है, ये आपका जो लेवल है अपना, एक सेकेंड में ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, एक सॉरी हॉरिजेंटल लाइन। तो 36,000 के लेवल को ये टच करके फिर वापस जा सकता है, और आप देखते हैं कल होता क्या है। कल का मेरा ये व्यू है, तो मैं तो आज से ही बोल रहा हूँ कि कल मेरा H12 नहीं करने वाला हूँ किसी भी हालत में। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।